की सबसे बड़ी अगरबत्ती जिसकी चर्चा पूरे वैश्विक स्तर पर हो रही थी, जो गुजरात के बड़ोदरा से चली थी और अयोध्या के लिए आ रही थी, वो फाइनली अयोध्या पहुंच चुकी है। यहाँ पर देखने के लिए तमाम राम भक्तों का तांता लगा है, क्योंकि ये जो अगरबत्ती है ये 108 फीट लंबी है और ये विश्व की सबसे लंबी अगरबत्ती है और ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंच चुकी है। इसको लाने में, इसके बाद इसको पहुंचाने में कितना दिन का समय लगा, ये तमाम चीजें हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन एक बार जब आप अगरबत्ती देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोई साधारण अगरबत्ती नहीं है, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नगरी में उनके लिए, उनके पूजन और अर्चन के लिए ये अगरबत्ती गुजरात के बड़ोदरा से आई है। ये अगरबत्ती कहाँ से आई है? बड़ोदरा से आई है, ये अयोध्या धाम के लिए आई है। बड़ोदरा से कब निकले थे आप लोग इसे लेकर? 31 तारीख को निकला था मैं। 31 तारीख को? हाँ। कितना दिन पहुँचने में लग गया? 10 दिन लग गए थे। 10 दिन? हाँ। कितना लंबा ये अगरबत्ती है? ये अगरबत्ती 108 फीट है। 108 फीट की है और ये रथ 126 फीट लंबा है। 126 फीट लंबे रथ पर 108 फीट की जो है अगरबत्ती लोड है। हाँ जी। अच्छा, इसे क्यों आप लोग लेकर आए हैं? ये भगवान ने, हमारा सौभाग्य था जो हमारे भगवान ने दिया ये मौका। हम तीन भाई ने मिलके ये रथ बनाया था। हाँ। खाना राम कोरवाल, भंवरलाल कोरवाल और गणेश कोरवाल इसको लेके आया। तीनों भाई ने मिलके ये रथ कंप्लीट किया था। कितने किलो की ये अगरबत्ती है? ये 3500 किलो का अगरबत्ती है। 3500 किलो का, यानी लगभग 3.5 टन का? 3.5 टन का है। तो ये जो है आप अयोध्या पहुँचा दिए है? ये अयोध्या पहुँच गयी, रस्ते में हमारे को कोई तकलीफ नहीं हुई। विश्व की सबसे बड़ी अगरबत्ती है? विश्व की सबसे बड़ी अगरबत्ती है। ये दूसरा अगरबत्ती हम लेके आ रहे हैं। पहला अगरबत्ती हम बड़ौदा से उज्जैन माँ कुंभ में लेके गए 2016 के अंदर। हाँ। यही अगरबत्ती। अच्छा, ये बताइए किससे बनाते हैं ये इतनी बड़ी अगरबत्ती, किस चीज से, किस मटेरियल से? ये गाय के गोबर से, गाय के गूत्र से, गाय के घी से बना हुआ अगरबत्ती है। मतलब हवन सामग्री से बना? हवन सामग्री। कितना खर्चा लगा इस अगरबत्ती को बनाने में? वो हमारे गुरुजी बता पाएंगे। गुरुजी बता पाएंगे। अच्छा, कितने लोग आप बड़ोदरा से यहाँ आए हैं? हम टोटल 35 लोग हैं और 10 लोग हम घर के, मेरा परिवार है मेरे साथ पूरा। अच्छा, उत्साह है आप लोगों को अयोध्या पहुंचकर? उत्साह है ना, हमारा खुश है, हम लोग बहुत खुश हैं। जय श्री राम। जितना जितना उत्साह बड़ोदरा के, गुजरात के बड़ोदरा में था, उतना उत्साह जो है अयोध्या में भी है अगरबत्ती देखने के लिए। एक बार बड़े से इस ट्रेलर को दिखाइए और 126 फुट लंबे ट्रेलर पर 108 फुट की अगरबत्ती है और ये देख सकते हैं कि जो है एक ही अगरबत्ती है, पूरी पूरी एक अगरबत्ती, सिंगल पीस है। एक अगरबत्ती है, सिंगल पीस। इसमें जो है पूरा शुरू से अंत तक वो एक है। एक है। अच्छा, ये कितने दिन तक जलेगी अगरबत्ती? ये 45 दिन तक चलेगी। 45 दिन तक कंटिन्यू जलेगी, दिन रात? दिन रात। तो ये अयोध्या पहुंच चुकी है, अब इसे लगाएंगे कहाँ पर? ये वह मंदिर के पास में जाएगा। अच्छा, मंदिर के पास में। हाँ। तो यहाँ अयोध्या में तो खुशी का माहौल है, इस अगरबत्ती को देखने के लिए तो बहुत सारे लोग गुजरात से अयोध्या तक पहुँच गए हैं। हाँ जी, पहुँच गए थे। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, इस अगरबत्ती की चर्चा तो पूरे विश्व में हो रही है, जो है इससे पहले आपने एक और अगरबत्ती पहुँचाई थी आज 2016 में। ये देख सकते हैं जो है राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, और हनुमान जी भी साथ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अगरबत्ती लेकर आए हैं? अगरबत्ती का अगरबत्ती। अच्छा, ये बताइए, ये अगरबत्ती है, ये इसका सीधा भाग ये है, ऊपर का भाग ये है, ऊपरी भाग। खुशी है आप लोगों को? जी, बहुत खुशी है। हमारे इष्ट है भगवान राम की जो है आज ऐसा अवसर मिला है। हाँ। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। हाँ। हम अयोध्या वासी। हाँ। और पूरा विश्व। हाँ। इसको जितना भी कहें। हाँ। ये कम है, खुशी के अवसर पे हम लोग बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। कितना खर्चा लगा इसे बनाने में? वो गुरुजी बता पाए, गुरुजी बताएंगे। अच्छा, यहाँ से जब आप गुजरात से निकले थे तो उम्मीद किए थे कितनी भीड़ आपको मिले? नहीं, हमने भविष्य में भी नहीं सोचा था कि। लेकिन ये प्यार लोगों का देखकर क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। और ये मौका मिलते ही हमने तीन भाई ने कंप्लीट करने की इसकी जिम्मेदारी। कितने दिन में ये तैयार किया था आपने अगरबत्ती? अगरबत्ती तो 6 महीने में हुआ। मतलब ये अगरबत्ती बनाने में 6 महीना लग गया? 6 महीने, 6 महीना कंटिन्यू बनाते रहे। हाँ, और तो किसी प्लांट में थे? किसी प्लांट वगैरह में बनाया या घर पर? घर पे बनाए। अच्छा, जिन्होंने बनाया उनका अगरबत्ती का फैक्ट्री है क्या? नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, गौशाला है। अच्छा, तो ये उन्होंने अगरबत्ती क्यों बनवाया, मतलब उनके अंदर क्या विचार था, कोई मनोकामना पूरी हुई थी क्या? उन्हें गुरु
गुरु जी को मालूम है तो। अच्छा श्रद्धा थी इसलिए बना, श्रद्धा से आस्था थी, आस्था थी, आस्था थी उन्होंने, भविष्य की आस्था थी। और हम लोगों को लगा कि ऐसा किया जाए कि पूरे विश्व में इसको आने आज से लेके अंत तक इसकी जो चर्चा है क्या। नहीं, हम अयोध्या वासी हैं और हम अयोध्या में सारे लोग आने, कैसा माहौल है राम मंदिर को लेकर। राम मंदिर में हर हर जात में हर धर्म में सब एक है, भाई राम में हो चुका है, कोई जात कोई धर्म के लोग नहीं है, किसी समुदाय के नहीं, सब लोग हिंदुत्व की हिंदुत्व के प्रति आस्था रखते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सबके थे और आज यही कारण है कि जब कई वर्षों के बाद मंदिर की स्थापना हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो तमाम राम भक्त खुश है। वो किसी जात से या धर्म से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो राम मंदिर बनने से खुश है। खुश है नहीं खुश, एकदम खुश है। क्या सारे राम मंदिर बन गया देश, अभी काशी मथुरा बाकी है, अगली बार काशी मथुरा बाकी है भैया। बिल्कुल बिल्कुल भैया, काशी मथुरा में भी अगरबत्ती लाएंगे क्या? लाएंगे अगर जरूर लाएंगे। हम लोग बिहार के चंपारण से आए अगरबत्ती को देखने। हाँ। चंपारण से मनीष कश्यप के गांव से हैं हम लोग। वाह, हमारा मनीष कश्यप जी अयोध्या, यही अयोध्या में आज दिल्ली जाने वाले हैं। पूरा देश राममय है, पूरा देश राममय है, जय श्री राम। चलिए मित्रों, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नगरी में विश्व की सबसे लंबी अगरबत्ती 108 फीट की अगरबत्ती पहुंच चुकी है। 45 दिन तक ये अगरबत्ती जलेगी, 6 महीना इसे बनाने में लगा, 3.5 टन इसका वजन है, 126 फुट लंबे ट्रेलर पर 108 फुट की अगरबत्ती जब गुजरात के बड़ोदरा से लोड होकर निकली थी तो तमाम राम भक्तों के अंदर खुशी का माहौल था। और आज जब ये मध्य प्रदेश राजस्थान से होते हुए अयोध्या पहुंची है तो तमाम राम भक्त यहां पर खुशियों के साथ जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और उनको गर्व है कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है और देश क्या पूरे विश्व के लोग यहां पर आ रहे हैं। कोई अखंड ज्योति लेकर आ रहा है, तो कोई जो है नेपाल से सोना और चांदी और गहना लेकर आ रहा है, तो कोई गुजरात से 108 फीट की अगरबत्ती लेकर आ रहा है। यह हमारा देश आस्था का है, सनातन का है, राम का है। और आज जब राममय पूरा देश है तो पूरा विश्व भी राममय और राम राम कह रहा है। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय जय श्री राम।